Hello, welcome and welcome back to my channel. Thank you for coming here. और ये है मेरा क्राफ्ट एंड आर्ट का चैनल. आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको शायद नहीं पता है कि मैं 365 डेज का एक चैलेंज लिया, जिधर मैं 365 डेज में 365 क्राफ्ट बनाऊंगी और आपके साथ एक बाय एक शेयर करूंगी. हर एक दिन एक ना एक क्राफ्ट ज़रूर आएगा और वो भी अलग अलग टाइप का आएगा. आपको शायद अच्छा लगेगा. आप 3-4 वीडियो देख लीजिए और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. आपको सीखने को मिलेगा. जिनका घर सजान है, जिनका अच्छा लगता है घर सजाने में, वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो भी बहुत ही इजी तरीके से, जैसे कि आप बहुत ही आसान से आप बना पाओगे. और आपको आज है डे वन और एंजॉय करते रहिए. आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए कमेंट में मैम. चलो शुरू करते हैं. मैंने ले लिया एक केक का बोर्ड. आप कुछ भी बोर्ड आपके पास है ले सकते हैं, या फिर आप MFD बोर्ड भी चूज़ करते हैं. इसके बाद मैंने ले लिया थोड़ा सा मिरर पीसेस. ये मीशो में, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है. मैंने मीशो में से लिया और उधर से ये ग्लू फ्री में आया. लेकिन बीच बीच में जो राउंड शेप का मिरर है ना, वो मैंने लोकल मार्केट से खरीदी हूँ. उसके बाद मैं प्लेस करके देख रही हूँ कि कौन किसके साथ अच्छा जा रहा है. वो हो जाने के बाद मैंने ग्लू से चिपक दिया. ये जाएगा आपका पूरा प्रोसेस. बहुत ही इजी है. राउंड राउंड शेप कर लिया है मैंने. और क्या है ना, आप चाहे तो दूसरा कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जिधर कोई राउंड का शेप ज़रूरत नहीं है. आप आपके हिसाब से बनाइए. ये थोड़ा इजी रहेगा. आप ये पहले बना सकते हैं और उसके बाद आप आपका डिज़ाइन में कंसंट्रेट कर सकते हैं. ये बहुत ही इजी बन जाता है. देखिए मैं कैसे कर रही हूँ. ये सभी शेप अवेलेबल होता है, लेकिन बड़ा वाला जो आता है वो लोकल सबसे ही ख़रीदना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्राइस पड़ जाता है. मैंने मेरा हिसाब से 10-20 ले लिया, जिसका प्राइस आप सोच लीजिए एक का 3-4 रुपीज़ हो जाता है. प्राइस ही है, लेकिन ये बनाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ये कंप्लीट कर लिया मैंने. आप देख ही सकते हैं कि कैसा लग रहा है. ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है. मुझे तो लगता है ये भी अब घर में सजाइए तो अच्छा ही लगेगा. लेकिन इसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे. ये मैंने ले लिया थोड़ा सा वॉल पुट्टी पाउडर. उसके बाद मैं ले रही हूँ कलर. ये कलर आप कुछ भी ले सकते हैं, फैब्रिक कलर अच्छा जाएगा. लेकिन मेरे पास वॉल का जो कलर होता है वो था, तो मैंने यूज़ कर लिया. उसके बाद फेविकल, इसको अच्छे से मिक्स करना है. आपको चाहे तो आप वाटर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ज़्यादा ना हो जाए. और अच्छे से मिक्स कर दीजिए. उसके बाद मेरा डीप कलर चाहिए था, इसलिए फेब्रिक कलर मिला रही हूँ. अच्छे से मिक्स करिए, जैसे कि आप कोई लंप ना आ जाए. और इसका जो कंसिस्टेंसी होगा, आप ज़्यादा लिक्विडी मत करिए. ज़्यादा लिक्विडी होने से थोड़ा दिक्कत आ सकते. मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लिया इस बार. लेकिन आप चाहे तो हार्ड तरह की रख सकते हैं. उसके बाद ऐसे ही फैला रही हूँ मैं, जो ड्रेस के साथ जो टैग्स आती है वो लेके. उससे अच्छा होता है. आप ATM कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कोई पुराना ATM कार्ड है तो. ऐसे ही 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके फैला दीजिए. ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है. अच्छे से करिए और कोशिश कीजिए कि पूरा दिख जो होता है वो सेम ही रहे. और मिरर के ऊपर पड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने वॉल पुट्टी यूज़ किया तो अच्छा ही जाएगा. वॉल पुट्टी देने से क्या होता है, वो सूखने के बाद भी आप हटा सकते हैं. तो मैंने अच्छे से कवर अप कर लिया. ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और थोड़ा हार्ड भी होता है. आप अच्छे से करिए,
फास्ट दो तीन अच्छा नहीं बन पाए, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही इसके बाद मैंने दो तीन तरीके से आपको दिखा रही हूँ, ये एक क्लिप्स उसके साथ कर रही हूँ, अच्छा नहीं बना। उसके बाद मैंने एक वुडन राउंड शेप का, मेरे पास एक चॉपस्टिक था उससे ट्राई कर रही हूँ, उससे होड़ा ही थी लेकिन थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद मैंने एक आइसक्रीम स्टिक्स ले लिया जिसमें से मुझे बहुत ही अच्छा हो गया है। सूखने के बाद ये प्रोसेस करना है, लेकिन कोशिश करिए कि 100% ड्राई ना हो, 80% ड्राई होने के बाद करिए तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा आपका। दिख रही है ना इसके हटाने से अच्छे से कैसा लग रहा है। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ये मेरा चैलेंज वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी बताइए।